ऐसा लग रहा है शिव शक्ति को निकाल लेगा। बस अब मेरा काम तो हो गया। शिव निकालेगा शक्ति को और निकलेगी शक्ति की लाश। शक्ति शक्ति आगे खोलो, शक्ति शक्ति। हे भगवान, हमेशा आप इस शक्ति की बात मानते हो, आज मेरी बात मान लो। सच, मैं रोज गरीबों को खाना खिलाऊंगी, रोज। बस आज आप मेरी बात मान लो। मौसी, ये छोटा ना मौसी, प्लीज। शक्ति प्लीज आंखें खोलो। शक्ति शक्ति प्लीज, तुम्हें कुछ नहीं होगा। शक्ति शक्ति प्लीज आंखें खोलो। शक्ति यमराज जी, उम्मीद करती हूँ कि अब तक आप शक्ति को ले गए होंगे। बस कुछ भी करके उसे वापस मत भेजिए, उसकी सांसें वापस नहीं आनी चाहिए। लोग दूसरे भगवानों के मंदिर बनवाते हैं, लेकिन आज आपने मेरा ये काम कर दिया तो मैं आपका एक बहुत बड़ा मंदिर बनवाऊंगी और उसमें रोज पूजा भी करूंगी। बस किसी भी तरह शक्ति को परमानेंटली अपने पास रख लीजिए। शक्ति उठो, शक्ति तुम जैसे छोड़कर नहीं जा सकती। शक्ति प्लीज उठो, मुझे परेशान करो प्लीज, मैं परेशान हो जाऊंगा। प्लीज प्लीज उठ जाओ, मुझे इरिटेट करो, मुझसे लड़ो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। प्लीज बस उठ जाओ शक्ति, शक्ति प्लीज, शक्ति प्लीज, मुझे जबरदस्ती किस भी कर लो, लेकिन प्लीज उठ जाओ। पापा, मासी भी माँ के पास चले गए क्या? तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हें पता है ना मैं इंडिया का बेस्ट डॉक्टर हूँ, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। नहीं बचा पाया मैं बच्चे की माँ को, नहीं बचा पाया। नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरे डॉक्टर होने का क्या फायदा। मैं शिव को क्यों नहीं मारती? वसीयत की वजह से मैंने गौरी की मौत के जिम्मेदार गायत्री को ठहरा दिया। अगर ये वसीयत नहीं होती ना, मैं कब का खुद शिव को शूट करती। जान निकाल दे दी तुमने मेरी, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो कभी मुझे ऐसे छोड़ के मत चली जा, मर जाऊंगा तुम्हारे बिना। मारे तो आपके दुश्मन डॉक्टर शिव, हम अपनी जान की जान कैसे निकाल सकते। वैसे आप ना टेंशन में भी काफी क्यूट लगते हैं। अपने ये फिल्मी डायलॉग बंद करो, चुप रहो।